हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी ना हम कार्डियोलॉजी जो है ना वो चैप्टर 4 काइटन फिजियोलॉजी इसका पार्ट 2 जो है ना वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो नोट्स रह गए थे। ठीक है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, वो सारे का सर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG होता है। ठीक है, फिर वेव्स ऑफ ECG में पी वेव, QRS हो गया, ST सेगमेंट हो गया, टी वेव हो गया, एट्रियल टी वेव हो गया, यू वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, फिर सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, सारे का सर आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ द ECG जिसके अंदर हमारे पास एपरेटस होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया, टू कर्ण में पेन रिकॉर्डर हो गया, ओसिलोस्कोप हो गया, एपेक्स इज इन बेस इज नेगेटिव, एपेक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, पी वेव QRS हो गया, फिर हमारे पास टी वेव पी वेव क्यू वेव हो गया, QT इंटरवल हो गया, सारे का सारा। देन हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लीड्स जी के बारे में आ जाता है। ठीक है, बाईपोलर लिम लीड होती है, प्रीकॉर्डियल लीड्स होती हैं, अगमेंटेड यूनिपोलर लीड्स होती हैं, फिर हमारे पास पी वेव होते हैं, नॉर्मेलिटीज ऑफ द QRS कम्प्लेक्स के बारे में फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, वेक्टोरियल एनालिसिस के बारे में हमारे पास, वेक्टर इज एन एरो दैट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो विद एरो पॉइंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, लेंथ ऑफ द एरो बीइंग प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज जनरेटेड बाय द करंट फ्लो हो गया। ठीक है, फिर वेक्टर कार्डियोग्राम हो गया, फिर वेक्टर कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में ओवर डायलिटेशन ऑफ द एट्रिया होता है, वेंट्रिकुलर में डायलिटेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है, ब्लॉक द इंपल्स ट्रांसमिशन थ्रू परकंजेस सिस्टम हो गया, और मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है सारे का सारा। देन हमारे पास एक्टोपिक फोकस के बारे में आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास हार्ट ब्लॉक के बारे में आता है, साइनो आर्टेरियल ब्लॉक, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, कंपनसेटरी पास में पैरोक्सिज्मल टैकीकार्डिया के बारे में, दो टाइप्स होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकंड डिग्री हो गया, और हमारे पास थर्ड डिग्री हो गया था। ठीक है, स्ट्रोक एजम्स सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास, वो सारे का सारा आपको दिख गया है। ठीक है, तो कार्डिक अरेस्ट हो गया, और कार्डिक अटैक के बारे में क्या होता है, कार्डिक रिएक्शन एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट अकर व्हेन द हार्ट माल फंक्शन स्टॉप बीटिंग अनएक्सपेक्टेडली, जबकि हार्ट अटैक इज ए पंपिंग जो है ना वो प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है सारे का सारा। ये हार्ट अटैक जो होता है ना वो हमारे पास जब वो ब्लॉक हो जाता है तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। जिसने यहाँ से स्क्रीन शॉट लेना है उसका स्क्रीन शॉट ले ले, ठीक है, और इसको एक दफ़ा रीड कर लेना तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। this and that's all about. Thank you.